तो दोस्तों फ्री कॉपीराइट एनिमेटेड वीडियो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप अपने फोन में गूगल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको टाइप करना है, देखिए मैंने टाइप किया है कॉपीराइट फ्री एनिमेटेड कार्टून वीडियो, यही आपको टाइप करना है, ठीक है। टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इसको टाइप करके सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। सबसे ऊपर देखिए वेबसाइट आएगा वीडेजी, दूसरा है पिक्सल्स, तीसरा है पिक्सावे, नीचे भी बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे वीडियो है तो यहाँ पे कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे फर्स्ट में देखिए वीडेजी, जैसे ही इस वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही इस वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए बहुत तरह का अलग अलग प्रकार के एनिमेटेड कार्टून वीडियो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे साइकिल वाला है ऊपर ये लड़का लड़की का, जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये एनिमेटेड कार्टून वीडियो, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, फ्री डाउनलोड। इसको आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आपको आप अपने फ़ोन के गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आसानी से अपने किसी भी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में बहुत ही ईजिली से आसानी से यूज कर सकते हैं। और आपको ज़िंदगी में कभी भी फ्री मतलब कॉपीराइट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ना स्ट्राइक ना कॉपीराइट के लिए कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर और छोटे छोटे यूट्यूबर जितने यूट्यूबर हैं वो सारे जो अपने शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, कार्टून वीडियो यूज करते हैं और यहीं से यूज करते हैं वो सब, और कहीं से यूज नहीं करते। मेरा भी आप वीडियो देखिएगा तो मेरे भी वीडियो में पिछले इधर एक दो महीने से मैंने जितना भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें देखिए कार्टून वीडियो मैंने जितना भी यूज किया वो सारा यहीं से मैंने डाउनलोड करके यूज किया है और मेरे को कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम कभी देखने को नहीं मिला है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर है सर्च में है एनिमेटेड, अब आपको जिस प्रकार का कार्टून वीडियो चाहिए, जिस प्रकार का एनिमेटेड कार्टून वीडियो चाहिए वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए बिजनेसमैन, स्टूडेंट, प्लेइंग बॉय, तो यहाँ पे उस तरह का आपको एनिमेटेड प्लेइंग बॉय, एनिमेटेड टीचर, एनिमेटेड स्कूल यहाँ पे सर्च करना है। टाइप करके उस तरह का आपको कार्टून वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए क्या है, सेकंड नंबर पे है पिक्सल्स। पिक्सल्स पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें भी आपको बहुत प्रकार का एनिमेटेड कार्टून वीडियो आ जाएगा, बहुत तरह का एनिमेटेड देखिए यहाँ पे कार्टून वीडियो आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी एक कार्टून वीडियो पर क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैं किसी एक इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए ऊपर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको आसानी से अपने गैलरी में, फोन में गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अपने शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, उस पर कभी भी कॉपीराइट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट है, यहाँ भी आपको दिमाग लगाना है, जिस तरह का आपको कार्टून वीडियो चाहिए, एनिमेटेड कार्टून वीडियो चाहिए उस प्रकार का आपको यहाँ पे देखिए ऊपर सर्च करना है, ठीक है। बिजनेसमैन जैसा चाहिए आपको यहाँ पे ऊपर सर्च करना है और उसे आप अपनी वीडियो में बहुत ही फ्री माइंड होकर यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा, कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए पिक्साबे है, पिक्साबे पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी देखिए बहुत तरह का कार्टून वीडियो यहाँ पे देखिए नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कार्टून वीडियो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको देखिए ऊपर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको आसानी से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फ्री एनिमेटेड कार्टून वीडियो आसानी से यूज कर सकते हैं अपने शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, और भी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि बाद में फ्यूचर में कभी कॉपीराइट क्लेम आएगा, स्ट्राइक आ जाएगा। मैं खुद यूज करता हूं और काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो सब यहीं से यूज करते हैं, ठीक है। तो आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।